हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमकेयर योजना में अब 15 जून तक पंजीकरण करवाया जा सकता है, इसे लेकर जानकारी दे रहे हैं सीएमओ मंडी डॉक्टर जीवानंद चौहान। हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक स्कीम हिमकेयर के नाम से 29 दिसंबर 2018 को लॉन्च की थी। ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत लॉन्च किया है कि जो जितने भी बीपीएल के लोग हैं उनका आयुष्मान का कार्ड बनेगा और उन्हें हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। और हिमाचल में जब देखा गया कि इसमें बहुत से लोग कवर नहीं हो रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर हिमकेयर के नाम से एक स्कीम और लॉन्च की जिसमें हिमाचल के लोग जो आयुष्मान भारत में नहीं आते थे वो लोग इसमें कवर किए गए। और ये पहले दिसंबर 2018 में लागू की गई थी, फिर इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया, अभी ये 31 मार्च 2020 तक लागू थी। लेकिन क्योंकि कोविड-19 के फैलने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद, सरकार ने लोगों के बेनिफिट के लिए इस स्कीम को 15/6/2020 तक बढ़ा दिया है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है लोगों से कि जो लोग इसमें पात्र लोग हैं वो लोकमित्र केंद्र में कहीं भी अपना ये हिमकेयर का कार्ड बना सकते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपन इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। किसी भी तरह की गंभीर बीमारियों में 5 लाख का इसमें बीमा लोगों को मुफ्त दिया जाता है और सारा खर्चा जो है सरकार वहन करती है। इसमें हिमकेयर में आज तक हमारे पास मंडी जिला में 50,793 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और 8,569 लोगों को इस स्कीम के तहत बेनिफिट दिया जा चुका है। और आगे मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिमकेयर के तहत अपने आप को रजिस्टर करें और ये इतनी अच्छी स्कीम जो सरकार ने चलाई है इसका लोग अब फायदा उठाएं। और हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मचंद वर्मा।